सशस्त्र सीमा बल सप्री ने रोपित किए अमृत महोत्सव के तहत 2000 पौधे। डीआईजी के नेतृत्व में चलाया जा रहा अभियान, 26000 पौधे लगाने का लक्ष्य। सशस्त्र सीमा बल के डीआईजी विक्रम ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया गया और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा। सशस्त्र सीमा बल को भी 26000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया, जिसमें 8000 पौधे रोपित हो चुके हैं और 2000 पौधों को वन विभाग के कर्मियों के सहयोग से रोपित किया गया। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, इससे अधिक पौधे रोपित करेंगे। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधे हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषित हवा से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। ये वृक्षारोपण भारत सरकार ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1 करोड़ प्लांटेशन करने का निर्णय लिया है, ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना सके। इसी सिलसिले में आज माननीय गृह मंत्री भी असम राइफल में चेरापूंजी में प्लांटेशन कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल को भी, हिमाचल डिवीजन को भी 26000 सैपलिंग्स लगाने का टारगेट दे रखा है, जिसमें से लगभग 7 से 8 हज़ार पीक प्लांटेशन हो चुकी है और 2000 की आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम कर रहे हैं। प्लांटेशन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू जो है वो हमें सबको मालूम होना चाहिए कि लगभग एक औसतन जो प्लांट होता है वो एक साल में 20 किलो की धूल सोखता है, 700 किलोग्राम एक साल में लगभग ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है और 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। एक औसतन जो प्लांट होता है उसके गर्मियों में उस प्लांट के नीचे लगभग 4 डिग्री का टेम्परेचर कम होता है। तो इमेजिन करना होगा, सोचना होगा कि हम सब के लिए, पॉपुलेशन के लिए, इस अर्थ पे प्लेनेट पे रहने वाले लोगों के लिए इस महत्व को समझना होगा कि प्लांटेशन कितनी महत्वपूर्ण हम सब के लिए। इसी सिलसिले में SSB सशस्त्र सीमा बल स्टेट सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर सपड़ी भी अपने उद्देश्य में आगे बढ़ता हुआ अभी लगभग 8-9 हज़ार की प्लांटेशन कर चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम टारगेट से आगे जाएंगे। जय हिंद।